हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही पॉपुलर रिक्वेस्टेड कमेंट थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक भी थे, कि लॉकडाउन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। लॉकडाउन इन द सेंस ऑफ कि क्या ये लॉकडाउन, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल का लॉकडाउन ये 14 अप्रैल तक है, 21 दिन का समय मांगा गया था। सो 14 अप्रैल के बाद क्या ये लॉकडाउन फर्दर एक्सीड होगा, क्या कंटिन्यू होगा, अगर होगा तो कितना होगा, एंड इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे हो सकता है। क्योंकि आप सभी लोग पता है हम लोग बात यहाँ पे स्टॉक मार्केट की कर रहे, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ को मैं ज़रूर कवर करूँगा। एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि लॉकडाउन से रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ लॉकडाउन से रिलेटेड, आप सभी लोग पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉकडाउन से रिलेटेड बात की थी, मतलब 21 दिन इंडिया लॉक हो जाना, मतलब आप और मैं अभी भी घर पे ही बैठे हुए हैं, आप सभी लोग पता है, जो कि एक अच्छी बात है। घर पे ही रहेंगे तो फिलहाल की सिचुएशन जिस तरीके की है वो ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी। सो पूरे इंडिया को लॉकडाउन करना, ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें कभी हम लोगों ने लाइफ में नहीं देखी है। हमारे लिए एक्सपीरियंस के लिए ये फर्स्ट टाइम है। आप सभी लोगों को पता है लॉकडाउन हो जाना, बहुत सारी चीज़ों का शटडाउन हो जाना, कम्प्लीटली शटडाउन हो जाना, इंडियन रेलवेज़ का बंद हो जाना, उसी के साथ साथ फ़्लाइट्स का बंद हो जाना, सारे अगर हम लोग बड़े बड़े चीज़ें देख लेते हैं वो सब बंद हो जाना। सो ऐसे बिजनेस अगर बंद हो जाते हैं तो आप सभी लोग पता है कि स्टॉक मार्केट हम लोगों को लॉकडाउन की न्यूज़ के बाद ज़बरदस्त नीचे क्रैश होते हुए देखने को मिला था। सो यही सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट अभी तो भाग रहा है, अभी तो फिलहाल की सारी चीज़ें ठीक ठाक है, बट उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 14 अप्रैल के बाद क्या ये लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू होगा, इसी के ऊपर सभी लोगों की नज़र रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कलेक्ट की है, वो मैं दिखा दूंगा, तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू हो सकता है नहीं। एंड मैं बाद में वापस ज़रूर आऊँगा कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, मैं हमेशा आप लोगों को सोचने के लिए कुछ क्वेश्चन हमेशा दे देता हूँ। सो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है करना, आजकल की आप सभी लोग पता है जनरेशन का प्रॉब्लम है, उनको सोचना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, सिर्फ वीडियो देखना होता है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, एंड बाद में वो चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पे वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ से ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे हिंट है जो कि ये लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड हो सकता है आफ्टर द 14 अप्रैल। सो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर देखनी है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ वेनसडे का दिन यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 से 4 घंटे की बहुत लंबी मीटिंग यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा रखी थी विद द पार्लियामेंट फ्लोर से रिलेटेड। उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है अगर हम लोग और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अगर हम लोग बात करें लीडर्स की, सो जितने भी लीडर्स है चाहे वो खुद के पार्टी के हो या फिर अपोजिशन के हो, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन सबको एक साथ लेके चलने वाली है, सो यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस है ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके जो लीडर्स थे वो खुद भी फिलहाल यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन में एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर करके जो यहाँ पे इंडिकेशन सामने आया है मीटिंग के द्वारा या फिर जो मोस्ट ऑफ द सजेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने यही सजेशन दिया है कि यहाँ पे जो फिलहाल का लॉकडाउन है वो ये क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन यहाँ पे मिलना चाहिए। एंड ये एक्सटेंशन किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल स्टेट की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल स्टेट की बात नहीं हो रही, ये फुल लॉकडाउन की बात हो रही है, मतलब कंट्री वाइज लॉकडाउन की। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा था कि जितने भी स्टेट वाइज जो चीफ मिनिस्टर होते हैं आप अपनी अपनी स्टेट की कंडीशन देख लेना एंड उसी के हिसाब से आप लॉकडाउन का डिसीजन ज़रूर ले लेना, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि आप फुल लॉकडाउन यहाँ पे लगा देना चाहिए, मतलब आप खुद यहाँ पे सामने आ जाए, कंट्री के सामने आ जाए एंड वापस जैसा आप लोगों ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था उसके बाद अभी की फिलहाल की रिक्वायरमेंट देखिए आप फुल लॉकडाउन यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को ज़रूर पता है। या फिर कुछ चीफ मिनिस्टर ऐसे थे उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भी की है कि अगर लॉकडाउन को अगर हटाने की बात अगर आप लोग यहाँ पे कर रहे तो वो एक झटके में नहीं हटना चाहिए, आप देख सकते हैं नॉट बी लिफ्टेड इन अ वन गो, वो धीमे धीमे करके हटना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरस का जो इन्फेक्शन है वो अभी भी बहुत ही स्प्रेड बहुत ही फास्ट हो रहा है। सो ये सजेशन सामने आ रहे हैं जिससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू ज़रूर हो सकता है। उसी के साथ साथ ये तो चीज़ें हो गई, मैं आप लोगों को पढ़ के बता दी, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने दिन तक लॉकडाउन एक्सीड हो सकता है। तो चलिए ये तो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एयर इंडिया के ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एयर इंडिया की न्यूज़ है, हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। एयर इंडिया स्टॉप द बुकिंग्स फॉरन फ्लाइट्स टिल द 30th अप्रैल। सो आप यहाँ पे देख सकते 14th अप्रैल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नेशनल
प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे एंड वो पूरे कंट्री को एड्रेस करेंगे कि कंट्री के सुरक्षा के लिए, आपके और मेरी सुरक्षा के लिए शायद से ये लॉकडाउन और भी फर्दर 16 डेज, मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं अप्रैल मंथ तक पूरा कंटिन्यू रहेगा। एंड मैं चाहता हूँ खुद कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फर्स्ट है, पैसा वैसा तो बाद में कमा लेंगे, जाने तो जाने, आप सभी लोगों को पता है। सो इफ 16 डेज के लिए फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, ऐसी मेरी मुझे भी बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक जितने भी बुकिंग्स थे स्टॉप कर दिए हैं। सिर्फ एयर इंडिया ने नहीं, हम लोग और भी यहाँ पे देख सकते IRCTC। सो IRCTC की भी अगर हम लोग बात करें तो IRCTC ने भी यहाँ पे सस्पेंड किया ऑल इट्स 3 प्राइवेट रन ट्रेन्स टिल द 30 अप्रैल, एंड जिनका भी इन्होंने पैसा लिया था उनको वापस वो विदाउट कटिंग कोई भी चार्जेस ना लगाते हुए रिफंड यहाँ पे करने वाले हैं। सो IRCTC भी आप देख सकते बुकिंग यहाँ पे 30 अप्रैल तक उन्होंने यहाँ पे कट कर दिए है। सो ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, एंड इससे आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि 30 अप्रैल तक यहाँ पे लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। तो चलिए और थोड़ा सा आगे जाते हैं, और एक न्यूज़ में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो कि प्राइवेट से जुड़ी हुई है, एयरलाइन सेक्टर से जुड़ी हुई है, एंड ये मैंने ओपन किया है इंडिगो का शेयर। एंड इंडिगो के शेयर का अगर हम लोग यहाँ पे ताज़ा न्यूज़ देते, COVID-19 लॉकडाउन, इंडिगो सस्पेंड द इंटरनेशनल फ्लाइट्स टिल द 30 अप्रैल। सो इतने सारे न्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे समअप करके देख लेते हैं तो कंक्लूजन एक ही सामने आ रहा है कि लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू ज़रूर होगा, एंड 30 अप्रैल तक, मतलब अप्रैल मंथ तक हम लोग ज़रूर कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जी पूरे इंडिया को लॉकडाउन फिलहाल कर सकते हैं। एंड यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हमारा मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था आप सभी लोगों को पता है मार्केट अच्छा खासा गिरा था, क्योंकि वैलिड न्यूज़ थी, अगर लॉकडाउन हो जाएगा बिजनेस चलेंगे ही नहीं, एम्प्लॉयज़ काम पे नहीं जाएंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, पैसा कहाँ से फ्लो हो जाएगा, ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट कहाँ से होगा, सो सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एंड इसीलिए हम लोगों को ज़ोरदार गिरावट भी देखने को मिली थी। सो इसीलिए सभी लोगों का जो नज़रिया है फिलहाल लॉकडाउन के न्यूज़ के ऊपर है, क्या फर्दर लॉकडाउन एक्सीड होगा, एंड अगर हो जाता है तो यस हम लोग कह सकते हैं बाजार में प्रेशर वापस कंटिन्यू भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिकली कह सकते हैं। अगर हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ देखें, ओडिशा एक्सटेंड द लॉकडाउन टिल द 30 अप्रैल, उसी के साथ साथ अगर स्कूल की अगर हम लोग बात करें, स्कूल टू बी द शट टिल द June 17। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिचुएशन कोई टाइम पास वाली सिचुएशन नहीं है, बहुत ही गहरी सिचुएशन है पूरे यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्रेशर वाला माहौल है, जिससे हम लोग कह सकते हैं इसको निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एंड घर पे रहना, लॉकडाउन होना, यही एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। एंड मुझे ऐसा पूरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 30 अप्रैल तक यहाँ पे लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू होने वाला है। सो इतने सारे न्यूज़ देख लिए, चार न्यूज़ देख लिए, चलिए और एक फिफ्थ न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं जो कि है तेलंगाना से रिलेटेड। कोर्ट्स टू बी रिमेन द लॉकडाउन टिल द 30 अप्रैल, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और कुछ यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है। पांच न्यूज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी जिनकी सभी लोगों की तारीख आप लोगों को सेम देखने को मिल रही है, 30 अप्रैल 2020। सो ये लॉकडाउन आप पकड़ के चलना कि 16 डेज और एक्सटेंड होने वाला है, एंड वापस कह रहा हूँ ये चीज़ अगर मेरे जैसे इतने छोटे निवेशकों को अगर समझ में आती है, सो बड़े बड़े निवेशक ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को भली भालकम जानते होंगे। सो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू होने वाला है, एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे हो सकता है। सो दोस्तों इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, अगर नॉर्मल इम्पैक्ट की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट तो नीचे ही जाना चाहिए, लॉकडाउन ये कोई हमारे मार्केट को बूस्ट करने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये तो बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बट एक चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो कि सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो है लॉकडाउन से रिलेटेड कौन से स्टेट एंड एरियाज। पूरे कंट्री वाइज लॉकडाउन तो होना चाहिए, बट कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड एक केस भी सामने नहीं आए। सो अननेसेसरीली ऐसी चीज़ों को लॉकडाउन में रखना, ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि नुकसानदायक हो सकता है। सो इससे रिलेटेड हम लोगों को देखना है क्या ये लॉकडाउन पूरा रहेगा या फिर पार्शली रहेगा। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ है, बड़े बड़े सिटीज़ है, अगर हम लोग बात करें मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, पुणे की बात करें, नागपुर जैसे सिटीज़ है उनकी बात करें, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जो कोरोना वायरस की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वहीं पे तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, सो पेशेंट्स भी ज़्यादा रहेंगे, इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। सो इसीलिए अगर ये सारे मेजर सिटीज़ है, मेजर स्टेट्स है, अगर वो लॉकडाउन में रहेंगे, सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो स्टॉक मार्केट पर आने वाला इम्पैक्ट रहेगा वो भी नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी।
सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था क्या लॉकडाउन यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। तो यस, मैं यहाँ पे वापस लिख के बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, वापस लिख हिंदी में लिख के बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यस, लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू होगा एटलीस्ट 30 अप्रैल तक। एंड ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा अगर ऐसा होता है तो। स्टॉक मार्केट यस, इसके वजह से नीचे ज़रूर जाएगा, तो इसका फ़ायदा हम लोगों ने ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि अच्छे शेयर हम लोगों को वापस सस्ते दाम में ज़रूर मिल सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर लिख के बताना चाहूँगा, और एक चीज़ कि यस, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, बट सरकार की तरफ से अभी भी कौन सा भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो प्लीज़ कोई रूमर्स मत फैला देना, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी वाली थी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी बुकिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स 30 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिए, एयर सिटीसी ने 3 उनके जो प्राइवेट स्ट्रेंथ थे उनकी बुकिंग वहाँ पे सस्पेंड कर दिए 30 अप्रैल तक, एयर इंडिया ने बुकिंग 30 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिए, कोर्ट 30 अप्रैल तक उनकी हेयरिंग पोस्टपोन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ओडिशा ने हम लोगों ने देख लिया लॉकडाउन 30 अप्रैल तक तो उन्होंने फर्दर कंटिन्यू कर ही दिया, स्कूल तो जून तक कर दिया है। सो ये सारी सिचुएशन को देख के हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन भी अगर हम लोग देखेंगे, आज भी इंडिया में लगभग 500+ केसेस तो कोरोना वायरस के आ रहे हैं। सो ऐसे अगर केसेस आ रहे हैं तो उसमें लॉकडाउन हटा देना ये कोई सेंस वाली बात नहीं रहेगी। सो ये बहुत ही नॉर्मल एंड प्रैक्टिकल बात है कि यस, ये लॉकडाउन फर्दर कंटिन्यू ज़रूर होगा, एंड इसका इम्पैक्ट बाजार में कैसे रहेगा ये हम लोगों को अभी देखना ज़रूर पड़ सकता है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड ज़रूर आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, लॉकडाउन कंटिन्यू होगा या नहीं। तो यस अगर होगा तो ज़रूर रीज़न प्रोवाइड कर देना, नो रहेगा तो वो भी रीज़न प्रोवाइड कर देना। एंड स्टॉक मार्केट में, हमारा चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो उसके ऊपर कैसा इंपैक्ट हो सकता है वो भी आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।